बलिया जनपद उत्तर प्रदेश पहल सांस्कृतिक संस्थान मिश्रवालिया के सदस्यों ने भोजपुरी की गरिमा को बनाए रखने की अपील किया। बलिया जिले के बापू भवन के प्रांगण में आयोजित पहल सांस्कृतिक संस्थान के तत्वावधान में आयोजित लोकरस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को भोजपुरी की मिठास व गरिमा बनाए रखने की अपील किया गया। कार्यक्रम में दूसरे प्रदेश व प्रदेश के कोने कोने से आए कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से सबका मन मोह लिया, साथ ही भोजपुरिया समाज से भोजपुरी भाषा को स्वच्छ व दयास्पर्शी भाषा बनाने पर बल दिया। इस मौके पर श्री मोहन जी, श्रीवास्तव गायिका चंदन तिवारी जी, गायिका संजोली पांडे जी, नृत्यकार विपुल जी व आदि गणमान्य गण मौजूद रहे। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो प्रणाम पूरा भोजपुरी जहान के, हम संजोली पांडे प्रणाम करता नहीं। और आपन परिचय ये बताया कि हम अवध क्षेत्र से आए बानी जा, और अवध क्षेत्र से रहे के बाद भी भोजपुरी से हमार जुड़ाव कैसे भइल की और सवाल होके वाला बा, तो उससे पहले हम बता दी कि भोजपुरी के जो पारंपरिक गीत बा, भोजपुरी के जो खाटी लोकगीत बा, वो हमका अपना तरफ खींचत चल गई और ऐसे आज हम बहुत बड़े भोजपुरी बोलने वाले और गावे भी। अच्छा, बलिया में जैसे रहुआ तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बतावा था कि बिलोंग रहुआ करी ना, बलिया में रहुआ दूसरी बार शायद आयल बनी। तो जैसे आप इस प्रदेश की रहुआ राजधानी में रही ना और रहुआ बलिया में आयल बनी, रहुआ कैसा महसूस होता है? सबके बता दें कि भोजपुरी से चूंकि जुड़ाव बा और भोजपुरी समाज में आकर के भोजपुरी लोगों के बीच बैठ के बतिया में जो मजा आवेला वो हमके ओइजे लखनऊ में ना आवेला। ऐसे मन करेला कि बार बार ऐजे आई और यहाँ के लिट्टी चोखा यानी कि बाटी चोखा और खाना के साथ साथ बात के गीत संगीत की खूब मजा ली। रहुआ भोजपुरी समाज के मंच के माध्यम से रहुआ बलिया जिला में आयल बनी, ये मंच के माध्यम से रहुआ भोजपुरी समाज के का संदेश देना चाहते हैं? अगर लोग रहुआ के देवे कुछ बात है समाज की अगर बात करें तो हमके तो बहुत निमन लागेला, बाकी तनी मनी जोने में अश्लीलता आ गई बा ओके दूर करे की जरूरत बा। और जब कहीं भी हम बाहर जाए ले बताए ले कि हम भोजपुरी की प्रोग्राम लेके आवत आनी, तब कुछ लोग बहुत हीन दृष्टि से देखेला कि अच्छा भोजपुरी मतलब चीफ, ऐसा नहीं है। भोजपुरी बहुत स्ट्रांग है, भोजपुरी की नींव इतनी मजबूत है कि अगर हम भोजपुरी चाह लें तो वो देश विदेश हर किसी को समझा सकते हैं, लेकिन अभी बस समय लगेगा और समझाएंगे जरूर। हम जिस तरह से रहुआ आप चंदन पांडे जी के एक चंदन तिवारी जी के ये वो पुराना गाना अंगुली में डसली में रंगनिया पर रहुआ नृत्य के लिए डांस के लिए पूरा समाज झूम गई, भोजपुरी समाज झूम गई, रहुआ कैसे कर पाई नहीं? बेचर जवाब हम भोजपुरी में ही दें, हम बहुत अच्छा भोजपुरी बोल लेंगे नीचे। बचपन में हमारे भोजपुरी क्षेत्र में ही बीतल बा, मदर टंग हमारे बंगला बा, लेकिन भोजपुरी से इतना प्यार हो गई बा हम हमरा कि अब ना लगे ला कि भोजपुरी दोसर भाषा बा। बहुत बढ़िया भोजपुरी के मतलब एक विरासत, भोजपुरी इतना समृद्ध एक भाषा बढ़ और एक साहित्य और संगीत इतना स्ट्रांग बा कि धीरे 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 हमारे मन के अंदर रच बस गए। जैसे बिरजू महाराज जी के क्षेत्र में पानी हम कथक हमारे क्षेत्र बा, तो हम कथक और भोजपुरी के मिक्स करके मैंने भाव जो उगर बोला उसका सामने लाने की कोशिश कर रहा था नहीं। और सबसे बड़ी स्ट्रांग हमारे चंदन के साथ और सुरेंद्र जी के साथ तो जुड़ल हमारे बहुत 3-4 साल हो गए और उसके बाद हमारा ये क्षेत्र में और बढ़िया करे के मतलब प्रेरणा स्रोत और आगे बढ़ा था। बलिया में जैसा कि रहुआ आयल बनी और बलिया पूरा जिला भोजपुरिया के शान है, बिहार से सटल बाटे, बड़ा भोजपुरिया के मिठास है जो देखे के मिलेगा, रहुआ बलिया में आके रहुआ के कैसे लगता था? हाँ, पहली बार बलिया आई बनी लेकिन ना लगा था कि पहली बार आई बनी, बहुत बढ़िया लगा था। ऑडियंस और दर्शक श्रोता बहुत ही बढ़िया बाटन सर, बहुत बढ़िया लगा था कि अपन प्रस्तुति यहाँ दे सकते हैं और आगे भी कोशिश करें। आम जन की धारणा में वो बात को रहुआ समझाना चाहते नहीं, जैसे अश्लीलता की कुछ बात चलते कलाकार लोग भी ये बात के जाहिर कर दटे कि नहीं अश्लीलता कुछ आयल बटे जो ना अकेले के मन शायद पहल भी कर दटे, रहुआ ये समाज के ये भोजपुरी समाज के और वर्तमान पूरा समाज के अश्लीलता के बारे में जो भोजपुरी में आ गई बटे एक बारे में रहुआ का कहना चाहते हैं? हमारा नाम मोहन जी श्रीवास्तव है।
जगह पर रह चुकल बनी, बड़े बड़े शहर में भी रह चुकल बनी, लेकिन हमने के अपन मातृभाषा से लगाव हरदम रहल बा। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमने के जो लोक संस्कृति के अब संस्कृति में बदल दिया गया बा, ओकरा के बचाव के कोशिश कर रहा बनी जा, ओकरा के एगो सही दिशा देवे के कोशिश में लागल बनी जा। हमने के संगे ऐसे ऐसे लोग जुड़ल बा, संजोली बाड़ी, चंदन तिवारी बाड़ी, शैलेंद्र मिश्रा बाड़ी, ये सभी लोग जुड़ के यह कार्यक्रम के संबल प्रदान करता और भोजपुरी की जो दशा दिशा इस समय बदलल बा, जौन पटरी से उतरल बा, ओकरा कहीं ना कहीं हमने के चाहत नहीं जा कि वो अपना मूल रूप में आ जाओ। जौन भोजपुरी संस्कृति भी आ, जौन अब संस्कृति के तरफ बढ़ गई भी एकरा के फिर से भोजपुरी संस्कृति के जो परंपरागत विधा बा ओकरा के जीवित करके समाज में प्रसारित कर जाओ। जिस तरह से रहुआ इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर ले बनी, इतना बड़ा कार्यक्रम रहुआ कैसे कर पैले बनी, बड़ा रहुआ के दिक्कत पैले, आखिर कैसे रहुआ आयोजन कर पैले बनी एकरा के? आयोजन हिम्मत से भइल बा, हिम्मत देवे वाला बहुत लोग बाटे, संजोली बाड़ी, चंदन बाड़ी, शैलेंद्र बाड़े, विपुलदा बाड़े, कभी स्टेशन लड़का बाड़े, जौन मुंबई IIT से करके IIT से इंजीनियरिंग करके वो लड़का लगातार अलग अलग राज्य के लोक विधान पर काम कर रहा बा, उनकर टीम के सहयोग बा, हमने के यह सहयोग बा, यहाँ लोग निस्वार्थ भाव से हमने के संगे जुड़ल बा, केहू कुछ ना कहलक भैया हम आएंगे नहीं आएंगे कुछ ऐसा बात, सब निस्वार्थ भाव से हमने के चाहत नहीं कि दशा और दिशा जब बार बार हम कहते नहीं भोजपुरी की दशा और दिशा बदल गई बा, हमने के ओकरा के पटरी पर ले आवे कोशिश कर रहा बन जा और लगातार लागल बन जा। छठवा आयोजन हो, 10 वर्ष से कार्यक्रम करावते हैं अलग अलग रूप में होता है, लोक रस के छठवा आयोजन। हमार नाम हिमांशु कुमार गुप्ता है और इस लोक रस कार्यक्रम में हम आज आई बनी, हमको बहुत अच्छा लगा। ये बताएं जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन बैठे और बड़े बड़े कलाकार लोग अपन कला प्रस्तुत कर रहे बैठे भोजपुरी के लेके, ऐसे में रहुआ भोजपुरी समाज के अभी कुछ कलाकार लोग यू कहे के बैठे कि भोजपुरी में कुछ त्रुटियाँ आ गई बैठे, कुछ अश्लीलता आ गई बैठे, एक लेके भी कुछ कलाकार लोग अपन विचार रखल राहुल का विचार बैठे? एक हमार विचार ये बटे कि अश्लीलता के बंद करे खातिर एगो ऐसा प्रयास तो जरूरी बा जिनमें लोक रस यानी लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दिहल जा सके और लोगन के बारे में लोगन के बतावल जा सके कि समाज में के तरह की जो गंदगी फैलल बा ओकरा के कैसे दूर करल जा सकता था, हमार संस्कृति का बा, हमार भोजपुरी संस्कृति का बा और एक तरह प्रस्तुत करल जाता, एक तरह के माध्यम से मंच के माध्यम से बतावल।